नमस्कार, मेरा नाम है रवि पांडे और जो हम आज सीखने वाले हैं कुछ ऐसे वोकैब सीखेंगे जो आप अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और वोकैबलरी का मतलब होता है शब्द, कुछ ऐसे शब्दकोश मैं आपको देने वाला हूँ, उसका इस्तेमाल आप अपने डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं बोलने के लिए, लिखने के लिए, राइट। जो पहला वर्ड है वो है सबोटेज। सबोटेज का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, विध्वंस मचाना, ठीक है। अगला वर्ड है रंपस। रंपस का मतलब होता है हो हल्ला मचाना, ठीक है। ब्लॉकेड, ब्लॉकेड का मतलब होता है नाकाबंदी। इस वर्ड का मतलब है नाकाबंदी कर देना। नेक्स्ट है मैनिक्विन, जिसे देखें आप, यहाँ मैन आया हुआ है, मैन यानी इंसान। कई बार आप शोरूम वगैरह जाते हैं तो आप देखते हैं इंसान का पुतला होता है जिसपे कपड़े पहना रखे होते हैं, ठीक है, कोट पैंट जो भी, लाइक शर्ट, तो उसको हम इंग्लिश में मैनिक्विन कहते हैं। अगला वर्ड है वायाडक्ट। वायाडक्ट का मतलब होता है सेतु, ठीक है। वायाडक्ट का मतलब होता है सेतु। देखिए ये वर्ड हाई टी जो है, ये जो टर्म है आपका आयरलैंड से आया है, इसका मतलब होता है छोटा सा रिफ्रेशमेंट लेना, 7 बजे 6 बजे 5 बजे, लाइक है ना, जैसे हम यहाँ इंडिया में चाय वगैरह पीते हैं तो हम उसको हाई टी कह सकते हैं, आयरलैंड में उसको हाई टी कहा जाता है। आजकल रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाएंगे आप तो वहाँ पर इस टर्म का इस्तेमाल बढ़ गया है। हाई टी लिखा होगा, इसका मतलब वही है कि आप रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं यहाँ पे। सटायर और सार्कास्म दोनों का मतलब सेम होता है। सटायर यानी हंसते हंसते किसी की निंदा कर देना, ठीक है, ज्यादातर लेखन पद्धति में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। टैलिस्मैन का मतलब होता है ताबीज या कोई ऐसा मंत्र, ठीक है, आपको पता होगा इसका। एम्बियंस का मतलब होता है माहौल, अच्छा वातावरण। कई जगह मैंने देखा है कि एम्बियंस मॉल है कहीं कहीं, तो एम्बियंस का मतलब होता है वातावरण या ऐसा माहौल बना देना, अच्छा माहौल, सुखद माहौल। चिकन हार्टेड का मतलब होता है डरपोक व्यक्ति। इसको भी आप भी सही कर लीजिए अगर आपने पहले लिख लिया है तो। चिकन हार्टेड का मतलब होता है डरपोक व्यक्ति। स्पूकी हाउस का मतलब घर, लेकिन स्पूकी मतलब क्या, डरावना घर, राइट। हम मूवीज वगैरह में देखते हैं तो बहुत डरावना घर होता है, तो उसको आप इंग्लिश से बोल सकते हो, इट इज अ स्पूकी हाउस, ये डरावना घर है। ट्विग्स का मतलब होता है दातून, ज्यादा लोगों को नहीं पता होता इसलिए मैंने ये वर्ड यहाँ पे यूज किया। निप्पल ऑन का मतलब होता है कुतर कुतर के खाना या बहुत छोटे छोटे पीसीस को खाना, राइट। सार्केज्म बता चुका हूँ आपको मैं, ऐसे ही बहुत सारे आपको मैं वर्ड सिखाऊंगा और जो मतलब आप सीख करके अपने इंग्लिश को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिए। टेक केयर।